औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँच सकें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजे की रेसिपी हाथ पे बनी सेवइयों की, वो किस तरह से बनाई जाती हैं और किस तरह से इनको पका के सर्व कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो हाथ पे बनी कलरफुल सेवइयां बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है, यहाँ पे दो किस्म के मैंने कलर लिए हैं, एक ये रेड कलर है और एक जर्दा कलर है, और 2 कप मैदा लिया है। मैदे को छान लेंगे। ये इसमें से हाफ हमने निकाल लिया है और हाफ हम गूंद लेंगे। इसमें अब ये कलर ऐड कर देंगे 2 से 3 चुटकियां। अच्छे से गूंद लेंगे। जी, तो ये जर्दे वाली 2 हमने तैयार कर ली है, इसको एक साइड पर रख देंगे। अब दूसरे कलर वाली स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये कलर हमने पानी में मिक्स कर लिया था, ये इस तरह इसमें ऐड कर लेंगे। फूड कलर हम पानी में भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने फर्स्ट डो रेडी की हम उस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। जी, तो ये 2 कलर्स की हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम 1 घंटे के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। और यहाँ पे हमने बगैर कलर के अब इसी तरह की ये कलर वाली हम बनाएंगे। इस तरह से इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और इसको हाथों की मदद से रोल करना शुरू कर देंगे। इस तरह से इस तरह से इस तरह से हम बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से तो सेम प्रोसीजर से हम सारी बना लेंगे। जी, तो ये अब हमने पिंक कलर का आटा ले लिया है, इसको भी उसी सेम प्रोसीजर से हम कर लेंगे, रोल कर लेंगे हाथों पे। ये हमने रोल कर लिया था, अब इसकी इस तरह से सेवइयां बनाते जाएंगे फिंगर्स की मदद से। जी, तो अब इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। ये कुछ की तो बन गई है, इस तरह से बना लेंगे। जी, तो ये हमने कुछ बना ली हैं, इनको अब हम साथ ही साथ धूप में फैलाते जाएंगे। तो ये हमने एक चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा लिया है, इसके ऊपर इस तरह से हम फैला देंगे धूप में ताकि ये सूख जाएं। जैसे जैसे आप बनाते जाएं साथ ही इसको सूखने के लिए इस तरह से फैला दें। जी, तो ये सेवइयां हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी थी, अब हम इसको ऑयल के बग़ैर हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेंगे।
तो फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, क्योंकि ये जल जाएंगी जी। तो यहाँ पे एक बर्तन में एक कप के करीब पानी हम बॉईल कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है, अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ। जो पानी उबल रहा है हम उसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। इसी के साथ इसमें हम दूध ऐड कर लेंगे, इसमें दूध ऐड कर लेंगे। फ्रेश दूध भी यूज़ कर सकते हैं और मिल्क पैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। ये हम दूध में भी बना सकते हैं और बॉईल करके भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे बनती हैं। इस तरह से इसमें जब उबाल आने लग जाए तो आप फ्लेम को लो कर सकते हैं जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको सर्विंग डिश में निकालते हैं जी। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की हाथ पे बनी सेवइयां बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इसको गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया है, वो उसको क्रश करके ऊपर ऐड किया है, और किशमिश ली है वो भी इसके ऊपर मैंने ऐड की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई की तो आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ ज़ायनाज़ किचन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।